हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे क्लच सिस्टम के ऊपर और आज बहुत एक छोटा सा सस्ता काम जो अगर आप क्लच के साथ कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि होता कुछ और है और आप क्लच प्लेट तुरंत चेंज कर देते हैं। क्लच पैडल प्रेस किया, पूरा प्रेस किया कर रखा है आपने, इसके बावजूद गाड़ी आपकी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रही है, सीधा सीधा सस्पेक्ट जाता है क्लच प्लेट के ऊपर और लोग सबसे पहले क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, पूरा सेट चेंज कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये जो क्लच सिस्टम है इसके अंदर एयर हो, या फिर इस सिस्टम के अंदर कचरा आ गया, या फिर इस सिस्टम के अंदर मॉइस्चर आ गया। उस केस में भी ऐसा होता है कि हमारा क्लच पैडल पूरा दबाने के बावजूद गाड़ी आगे चलती जा रही है। तो आज इस गाड़ी की मैं करूंगा क्लच फ्लशिंग। क्लच फ्लशिंग कैसे होती है वो आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, क्लच के ठीक पीछे लगा होगा हमारा ये क्लच सिलेंडर, क्योंकि क्लच होता है हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक प्रेशर से ये काम करता है। तो हाइड्रोलिक का प्रेशर आता है यहां और हाइड्रोलिक में चलता है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल के लिए यहां पे यूज किया जाता है ब्रेक ऑयल, यहां से लाइन जाती है नीचे गियरबॉक्स तक, और ये है हमारा क्लच मेन सिलेंडर और इसके नीचे गियरबॉक्स पे लगा होगा क्लच स्लीव सिलेंडर। नीचे चलते हैं क्लच स्लीव सिलेंडर पे, मेन काम हमारा वही है। अभी आ गया मैं गाड़ी के नीचे, ये लगा हुआ है आपका गियरबॉक्स, ये यहाँ से दिखेगा आपको, ये गियरबॉक्स है और गियरबॉक्स के पास ये लगा हुआ है क्लच सिलेंडर, और क्लच के अंदर आप देखेंगे ये लाइन आ रही है, ये है हाइड्रोलिक ऑयल की लाइन, और एक ये निकला हुआ है आपका, ये है ब्लीडिंग निपल। अब ये ब्लीडिंग निपल यहाँ पे है, यहाँ से करनी होती है इसकी ब्लीडिंग। कई बार इसके अंदर एयर आ जाती है तो एयर की ब्लीडिंग यहाँ से की जाती है, लेकिन आज हम पूरा सिस्टम ही फ्लश कर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी इस निपल की। लेकिन उससे पहले हमको ऊपर जाना है, यहाँ पे आके सबसे पहले हमको खाली करना है ये कंटेनर, और ये कंटेनर है क्लच ऑयल का। क्लच ऑयल यानी कि ब्रेक ऑयल इसके अंदर चलता है, और मोस्टली कार में ब्रेक जो सिलेंडर होता है वहां से ही इसको लाइन दी जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग कंटेनर है। तो पहले इस कंटेनर को खाली करेंगे हम। खाली करता हूं तो फिर आपको हकीकत पता चलेगी आखिर मैं इसको क्यों फ्लश करने वाला हूं। खाली करने के लिए एक बोतल, फिल्टर की कंडीशन देख लो आप, एक वैक्यूम पंप जिससे मैं इसको खाली करूंगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये रीजन है इसको खाली करने का, बिल्कुल कचरा मतलब काला हो चुका है, और इतना काला कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब कहीं से कहीं तक ये ऑयल नहीं लग रहा है, और ये आपको भी टाइम टू टाइम अपना चेक करना चाहिए। अगर इस तरह से अगर अलग कंटेनर है तो, अलग कंटेनर है तो आप देख पाएंगे, और अलग कंटेनर नहीं है तो आपको अंदर ऑयल कैसा चल रहा है दिखेगा नहीं। तो ज़रूरी है कि इसको टाइम पे आप फ्लश कर दीजिए, पूरा चेंज कर दीजिए। लगभग पूरा खाली हो चुका है, ऑयल तो सिर्फ इतना निकला, लेकिन इसके अंदर देखो आप पूरा कंटेनर मतलब पूरा कचरे से भरा हुआ है। अब इस कचरे का क्या होता, तो कचरा है जाके पूरा सिलेंडर खराब करता, और हो सकता है इसने कुछ खराब किया भी हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी उस समय हमारे पास थी नहीं। अब आई है तो धीरे धीरे इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरा, मतलब क्या बताऊं मैं, हद से ज्यादा। अब ये जितना यहां से हो पाएगा, इसके अलावा बाकी हम करेंगे इसका सिस्टम फ्लश, तो फिर ऑयल के साथ निकलेगा। जितना पॉसिबल था ऊपर से क्लीन कर पाना वो मैंने कर दिया, और क्लीन करके ये रख दिया पूरा साफ करके। अब जो इसके अंदर मेन जो काम है, यहाँ से जो लाइन जा रही है हमारे गियरबॉक्स तक और स्लीव सिलेंडर तक, वो जो ऑयल है जो इसके अंदर कचरा भरा हुआ है वो हमको खाली करना है। उसके लिए ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ इस बॉक्स को भरना पड़ेगा, और ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ब्रेक ऑयल है ये .4, ये थोड़ा सा पहले का बचा हुआ था। ये होता है अप्रॉक्स 250 ml, और इस बार मैं वैसे वैक्सपॉल का यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ। ऊपर तक भर दूंगा क्योंकि अभी मुझे खाली भी करना है। बस यहाँ का काम हो गया, अब हमें चलना होगा नीचे। नीचे लेके चलना होगा हमें कुछ इस तरह का एक पाइप, ये पाइप और बोतल इधर रहेगी, और पाइप मैं लगाऊंगा उस निपल में जो मैंने आपको दिखाया स्लीव सिलेंडर का। गाड़ी के नीचे आ गया मैं, और गियरबॉक्स के पास ये लगा हुआ है हमारा ब्लीडिंग निपल। ये अभी मैंने लॉक प्लायर यहाँ पे लगा दिया इसको लॉक करने के लिए। अब मैं इसको करूंगा लूज, ये लूज हुआ, और मैंने इधर पाइप रेडी रखा है, जैसे ही यहाँ पे ऑयल आएगा, आ गया ऑयल, मैं यहाँ पे लगा दूंगा पाइप। और ये देख रहे हैं पहले कचरा आने लगा, बस यही कचरा हमको बाहर करना है। मकसद ये है कि पूरा जितना भी ऑयल है पुराना वाला वो हम खाली कर लेंगे। अब ऑयल इसमें आएगा पूरा बोतल में भरता जाएगा, वैसे तो यहाँ से भी धीरे धीरे ऑयल आ जाएगा, लेकिन
आपको अगर थोड़ा जल्दी है तो ऊपर जाके आपको क्लच पेडल प्रेस करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ मैं गाड़ी के अंदर और क्लच पेडल को पंपिंग करता हूँ धीरे धीरे, ऐसे ऐसे पंपिंग करूंगा तो ये जल्दी निकलेगा। और फिर आप देखना यहाँ पे इसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, बिल्कुल लाइट हो जाएगा कलर धीरे धीरे। आ गया ऊपर क्लच, और इस कंडीशन में क्लच आप देखोगे पूरा नीचे बैठ जाएगा, आपको अपने हाथ से पंप करना पड़ेगा। देख रहे पूरा आने लग गया, अभी चेंज भी आएगा कलर, थोड़ा सा यहाँ से गिर रहा है तो हल्का सा इसको मैं पीछे कर दूंगा। अभी ये आपके सामने इसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। आया, अभी भी आ रहा है लेकिन कलर वैसा ही है। थोड़ा सा और लाइट होने देता हूँ मैं, फिर देखता हूँ। आ गया बिल्कुल कलर चेंज हो गया। लेकिन इसके बीच में जब मैं ऊपर गया था तो ऊपर मैंने देखा कि टैंक खाली हो रहा है, जो इसका रिजर्वर टैंक था वहां पे मैं फिर से टॉप अप करके आया हूँ। कैमरा यहाँ लगा था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, कलर तो बिल्कुल चेंज हो गया और साथ में बोतल का कलर भी चेंज हो गया। बोतल में पहले आपने देखा था कैसा कलर था और अब कैसा हो गया। इसको लॉक, बस डिस्कनेक्ट। अच्छा एक चीज देखो आप, जब मैं लेके आ गया नीचे से, बोल्ट टाइट कर दिया, पैडल नीचे ही है, पैडल ऐसे नीचे दबा हुआ ही रहेगा और दबे हुए पे आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर पे छोड़ना है। मैं जब पंप कर रहा था, पंप करते समय लास्ट जो मैंने छोड़ा नीचे छोड़ा। अब एक बार आते हैं ऊपर, टैंक मैंने एक बार भरा था, दोबारा इतने पे आ गया, तो अब मुझे इसको लेवल पूरा कर देना है इसका। बस ये आ गया जी मैक्सिमम लेवल पे। अभी इसका जो फिल्टर मैंने निकाला था ये भी क्लीन करके रख लिया और फिल्टर भी लगा देता हूँ। और अब इसका ये मेन कैप, पहले कंटेनर पूरा काला दिख रहा था इस कालक की वजह से, देख रहे हैं आप, आपको लग रहा है किसी भी हालत से ये ऑयल होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं, कीचड़ है बिल्कुल कीचड़। बस तो फाइनली इतना हो गया। अब एक बार क्या करना होगा हमको, गाड़ी को करना होगा स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट करूँगा न्यूट्रल पोजिशन में, न्यूट्रल, हैंड ब्रेक, बस स्टार्ट हो गई। इसको अब एक बार ऊपर करेंगे, ऊपर आया, अब क्लच पैडल एक बार बनाऊंगा, ये देखो ऊपर आ रहा है, प्रॉपर ऊपर आने लगा, और पहले ये डाउन हो गया था। गियर भी लगा के देख लेता हूँ, ये मैंने क्लच दबाया, बैक गियर लगा दिया, रिलीज किया, चलने लगी गाड़ी। परफेक्ट, प्रॉपर काम कर रहा है, देख रहे हैं अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। क्लच सिस्टम जो था हमारा फ्लश हो गया। अब इसके बाद होगा ये कि आपका जो क्लच सिलेंडर है वो सेफ रहेगा। आप श्योर हैं कि अब आपके क्लच सिलेंडर में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइन में एयर नहीं है, आपका पूरा जो सिस्टम था वो सिस्टम फ्लश हो गया, आपने नया फ्लूड भी डाल दिया, पूरा वहां से लेकर वहां तक न्यू हो गया। और न्यू होने के बाद आपके स्लीप सिलेंडर की, क्लच सिलेंडर की लाइफ वैसे ही बढ़ जाती है। और इन केस अगर ये ना किया जाए, ऐसे ही चलने दिया जाए, तो कभी भी रास्ते में आपको ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेकडाउन कैसा होगा, क्लच काम नहीं कर रहा है, गियर नहीं पड़ रहे हैं, फिर उस कंडीशन में आप RSA को बुलाएंगे या फिर किसी की हेल्प लेंगे या टैक्सी लेके जाएंगे। छोटी छोटी चीजें अगर नॉलेज में होंगी तो ये सारे काम आपको करने नहीं पड़ेंगे, और हाँ आपकी कार की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। फिलहाल मेरा मकसद भी यही है कि आपको आपकी कार के बारे में अवेयर कर सकूं, छोटी छोटी चीजें जिन पे कोई ध्यान नहीं देता उन चीजों को मैं आपको बता सकूं, उन चीजों को सिखा सकूं, और इसके बदले में आपका प्यार पा सकूं लाइक के तौर पे। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, मन में कुछ सवाल अभी भी रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।